factors affecting learning. हम दो topics कर चुके थे, what is learning and types of learning. कुछ कुछ इसका पहले drop उसका देते हैं थोड़ा सा reflection कि सबसे पहले learning क्या सीखते हैं. आप जो भी बच्चे को चीज सिखा रहे हैं वो सीख रहा है और उसको अपनी life implementation कर रहा है, it's called learning. X, Y, Z कुछ भी हो सकता है, पानी पीने का तरीका, पढ़ाई लिखाई में ए बी सी डी 2+2 4 ये सब जो भी आप सिखा रहे हैं बच्चों को, इट्स अ लर्निंग. यानी जो चीज़ वो नॉलेज के तौर पे आप आपसे ले रहा है अपनी लाइफ के अंदर, वो इट्स कॉल्ड लर्निंग. सही. फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग हम पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल में. अब हम आ रहे हैं जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लर्निंग इफेक्ट हो जाती है, यानी या तो कभी पेशी का शिकार होती है या अच्छी हो सकती है. ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो अच्छी हो जाएगी, और अगर फोकस नहीं करें तो फिर लर्निंग खराब हो जाएगी. सही. तो सबसे पहले हम चलते हैं जो मैंने सबसे पहले पढ़ लिखा, रेडीनेस ऑफ लर्निंग. सही. अब रेडीनेस ऑफ लर्निंग से मुराद ये कि पहले तो बच्चा जेनी तौर पर तैयार हो कि उसको पढ़ना है. सही. कुछ बच्चे आपने देखा होगा, बिगनर लेवल वन लेवल टू की बात करूंगा मैं, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के लिए बच्चे रोते धोते आ रहे होते हैं, तो क्या उन बच्चों को पढ़ाना इजी है? नहीं ना. एक बच्चा रोता हुआ आ रहा है तो आप पहले उस बच्चे को चुप करवाएंगे ताकि वो इतना रेडी हो जाए कि उसको पढ़ना है, वो पढ़ने आए. बटा अक्सर बच्चे रो रहे होते हैं, वो अभी घसीटती भी जा रही है उसको, यू बोला ये, और फिर वो उस अंदाज से ही फिर बच्चा आधा टाइम तो आपका जाया होता है. लेकिन जब वो अच्छे अंदाज से टीचर से फेमिलियर हो जाते हैं तो फिर वो बच्चे तैयार होकर आते घर से पढ़ने के लिए. इट्स कॉल्ड रेडीनेस ऑफ लर्निंग. लर्निंग के लिए पहले सही तौर पर तैयार होना जरूरी है. अगर बच्चा घर से निकलने से पहले तैयार नहीं है कि पढ़ने जाना ही नहीं है, उससे उसे जहन में ही ठान लिया, तो क्या वो सीख सकता है कुछ? नहीं ना. कभी ऐसा हुआ आप लोग एब्सेंट माइंड तरीके से जॉब पर आए, आज पढ़ाने का दिल ही नहीं करता, होता है ना कभी इंसान बीमार होता है, लेकिन छुट्टी क्यों नहीं करनी कि हम दो छुट्टियाँ पहले कर चुके. उस सूरत में जिस दिन हम आते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल काम करने का दिल नहीं होता, यानी उस दिन हम प्रैक्टिकली मेंटली और रेडी नहीं होते. सही. तो रेडीनेस इन लर्निंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सबसे पहले रखा. सही. थोड़ा सा रैपिड स्पीड ही जाऊंगा क्योंकि टाइम आने वाला शॉर्ट है. सही. सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, इट्स कॉल्ड मोटिवेशन फॉर लर्निंग. सही. हम यूं चलेंगे. सही. वापस. सही. सेकंड है मोटिवेशन फॉर लर्निंग. मोटिवेशन याद है लेसन प्लानिंग जो मैंने पढ़ाया था, तो मोटिवेशन क्या था? बच्चे को आमादा करना कि किस अंदाज से आपको जो सबक पढ़ाया जा रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए. अगर आपने एक दफा बच्चे को मोटिवेट कर दिया, किसने मोटिवेट करना था? कि यही सबक पढ़ने आया हुआ, यही वो सबक था जो पढ़ने के लिए वो स्कूल ज्वाइन किया था उसने. इतना मोटिवेट करना आपको इस लेवल पे जाकर कि बच्चे समझे कि यही तो टॉपिक था जो मिस ने पढ़ाया, और मिस का पढ़ाना वो माशाल्लाह. सही. उस लेवल पे आपको जाके बच्चों को मोटिवेट करना जरूरी है. नहीं करेंगे तो फिर आपके स्टूडेंट्स जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. सही. याद है, क्लियर है? मोटिवेशन फॉर लर्निंग. अगर कभी भी आप मोटिवेट नहीं करेंगे टीचर स्टूडेंट को, तो क्या उसकी लर्निंग होगी? नहीं. वो मोटिवेट ही नहीं हुआ जब वो समझ ही नहीं था, उसकी नजर में वो अहमियत ही नहीं है, तो आप सोच भी सकते कि वो आप जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उसकी वो तवज्जो कभी भी नहीं होगी. कभी भी तवज्जो नहीं होगी. कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट नेचुरली होता है. मैं मूव ऑन टू थर्ड टॉपिक जा रहा हूँ, इंटरेस्ट फॉर अपनी मोटिवेशन के जरिए बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना आपके पर्टिकुलर टॉपिक के जरिए. अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चे को नहीं पसंद, लेकिन आपकी मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, और ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो कहे कि यही तो पढ़ना था बच्चों. सही. यानी अगर उसको इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पसंद था तो उसको इंग्लिश अच्छी लगने लगी, उसको मैथ पसंद नहीं था तो उसको मैथ अच्छी लगने लगे. सही है. उसको कंप्यूटर पसंद नहीं था तो उसको कंप्यूटर पसंद आने लगे. ये टीचर की कामयाबी. सही. क्यों? आपने उसका वो लेवल जो उसकी लर्निंग के अंदर इफेक्ट कर रहा था, आपने उसको उस ब्रिज को ज्वाइन कर दिया कि अब ये, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, दो चीज़ें हैं. देखिए
एक ये होता है, समझ ले दो जोन है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड पी डी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट के टर्म है, कि ये पॉइंट है अननोन और ये नोन है, यानी ये वो पॉइंट है उस बच्चे का कि इधर उसको कुछ भी नहीं पता और ये उसका पॉइंट है जहाँ आपने उसको सिखा दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के सफर को आपने ही ब्रिज के तौर पर बनाना है कि नोन से वो अननोन से वो नोन की तरफ आ जाए, सीखे, उस ब्रिज तक पहुंचे, फिर वो आगे और सीखना चाहे। आप देखें हम लोग जैसे बहुत से आप देखे होंगे कि वो पढ़ते चले जा रहे थे जिंदगी में, ग्रेजुएशन कर दिए, मास्टर्स कर दिए, अभी भी सोच रहे हैं फिर जरा पी एच डी करें, क्यों? हमारा जोन अभी तक चल रहा है, हम अभी चाह रहे हैं और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। आप में से बहुत से ऐसे होंगे इंटर किया, अब ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद भी आगे और पढ़ने का जहन होता है, क्यों? आपके टीचर्स ने आपकी मोटिवेशन और इंटरेस्ट ऐसा डेवलप किया था कि आप पढ़ाई को बोझ नहीं समझ रहे, और आप में से हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो कहते हो कि नहीं भाई खत्म हो गया, इंटर कर लिया जान चुकी, ग्रेजुएशन कर लिया इनफ हो गया, आप आगे नहीं पढ़ना, होता है ना ऐसा? तो ये कब होता है? जब टीचर कमजोर हो मोटिवेशन बनाने, सही? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग, सही? ये दोनों चीजों को बहुत ध्यान में रखिएगा। टीचर्स कभी तवज्जो नहीं देते। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह क्या है कि टीचर्स मोटिवेशन पे तवज्जो नहीं देते बच्चे के ऊपर। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, पिछले सेशन में मैं कितनी घंटे बोला हूँ आप अंदाजा लगाएं, मिनिमम दो घंटे कथा वो सेशन तकरीबन नॉन स्टॉप, दो घंटे तक मैं आपको सिर्फ यही सब जा रहा था कि मोटिवेशन कैसे, आपने पढ़ाना कैसे, मोटिवेट कैसे। जब तक टीचर मेहनत नहीं करता ना अपने स्टूडेंट्स पर, बच्चे कुछ नहीं सीखते, लर्निंग ही नहीं होगी, सही? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या है? लर्निंग। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट डेवलप जब बच्चे का हो गया तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? अटेंशन। यानी देखिए सब चीजें इंटरलिंक्ड है। रेडी हुआ, रेडी घर से निकला था तो मोटिवेट करना जरूरी था, आपने मोटिवेट कर दिया, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो क्या उसकी अटेंशन होगी? नहीं होगी ना। जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो अटेंशन क्यों होगी? बेजार मुंह लेके बैठा होगा बच्चा, घड़ी देख रहा होगा, कभी वॉल क्लॉक को देख रहा होगा, कभी दीवारों को देख रहा होगा। कुछ बच्चे आपने देखा होगा क्लास चल रही होती है, वो उर्दू की क्लास है, ड्राइंग बना रहे हैं, क्यों? इस पॉइंट पर आप आए नहीं, ये पॉइंट आपका मिस था मोटिवेशन वाला, तो ना इंटरेस्ट अचीव हुआ ना अटेंशन। आप एक चीज को समझिएगा, मैंने यू क्लॉकवाइज में क्यों लिखा, अगर इस पॉइंट पर नहीं था बच्चा तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, सब बेकार हो जाएंगे, सब इंटरलिंक्ड है। इस पॉइंट पर बच्चा नहीं आया, मोटिवेट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट के बाद वाली सारी चीजें गई। अटेंशन दी, अटेंशन ही नहीं ली उसने, तो फिर इसके बाद वाली सारी चीजें, सब चीजें आप उसमें लेंगे। देखिए इंटरेस्ट होगा तो अटेंशन आएगी ऑटोमेटिकली, सही है? इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया तो अटेंशन गई, जब अटेंशन गई तो लर्निंग हुई नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चा अटेंटिवली नहीं देख रहा होगा, आपको सुन नहीं रहा होगा, तो आपकी चार बातें सुनेगा, तीन बातें नहीं सुनेगा। आप पूछेंगे कुछ, वो बताएगा कुछ, आप अगर फॉर्मूला समझा रहे हो उसको प्लस माइनस माइनस, वो कहेगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, उसके दिमाग में माइनस प्लस चल रहा होगा उल्टा सीधा, क्यों? उसने अटेंटिवली अभी बात सुनी दी थी, इंटरेस्ट नहीं था, अटेंशन ऑटोमेटिकली नहीं है, अटेंशन ये तो लर्निंग खत्म हो गई, सही है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, आगे चले थोड़ा सा और, सही? थोड़ा सा स्पीड ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी ड्रिलिंग करवा दूँ। फिर इसके बाद ड्रिल एंड प्रैक्टिस इन लर्निंग। अब ये क्या चीज है, हमने जब लेसन प्लानिंग आपको सिखाई थी उसका एक चीज याद है आपको, असेसमेंट रखा था बीच में। असेसमेंट क्यों था? इट्स अ ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं बीच में उसको असेस भी करते रहे, उसको रिपीट करते रहे, रिविजन करते रहे। आज मेरा टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लेकिन मैंने स्टार्ट किया लर्निंग से, ताकि थोड़ा सा पिछला कम्युनिकेशन जो बैरियर आ रहा है ना उसको ब्रिज बनाते हैं, उसको लेते हैं, सही? तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखे, ड्रिल से बुरा दी वॉली ड्रिल नहीं है दीवार वाली, सही? ये ड्रिलिंग से बुरा है दोहराई, सही? और प्रैक्टिस से बुरा कुछ चीजें आप प्रैक्टिकली करवा देते हो बच्चों, सही? जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होती है, सही? बार बार रैपिड प्रैक्टिस करवाएं, एक से ज्यादा सवाल कर रहे हैं जो बुक पे है उससे हटके करवाएं, मुश्किल है, फिगर्स चेंज कर दें,
पॉसिबल है ना प्रैक्टिकली। आपका कभी फिक्सर लग गया, सपोज टीचर नहीं आई, फलाना मिस नहीं आई, आप मैथ्यू टीचर से लिखी क्लास, अब वो क्या कर सकती है इफेक्टिवली, अब आप नहीं चाहे तो बैटरी टाइम जाएगा, है ना। अक्सर टीचर करते हैं, मेरा तो पीरियड नहीं था तो मैं जुलेखा की वजह से क्लास में बैठी हूँ, आज वो घर पर बैठी होगी ना, इस वजह से मुझे आज पढ़ाना पड़ रहा है, होता है ना ऐसा, अंदर की तरफ बुरा भरा बोल रहे थे, कल दिन ना मैं भी छुट्टी करूंगी और इसको सजा मिलेगी, होता है ऐसा, सही है। तो उस सूरत में आप देखिए, जिसे छुट्टी हो सकता है उसकी वजह, आप उस पर्टिकुलर टाइम को गनीमत जाने, ये नहीं कह रहा पूरे वक्त बैठ के पढ़ाए, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम को यूटिलाइज करें, उस तरह शुरू कैसे यूटिलाइज करें, आपने बुक उठाई, सवाल देखे, बहुत बहुत सवाल, आपने उन्हीं मेथड्स के ऊपर नंबर चेंज कर दिया, आपने बोर्ड पे लिखवा दिया, दो ग्रुप पर लिखवा दिया, ऐसा करता है, तीन ग्रॉ बैठी हुई है, ए बी सी, तीन ग्रुप बन गए, भाई लीडर कौन बनेगा इस ग्रुप का, इस पूरी ग्रॉ का, कोई बच्चा या बच्ची हारता है, मैं बनूंगा यहाँ से उठाएगा, मैं बनूंगा वहाँ से उठाएगा, मैं बनूंगा, सही है, आप तीनों में कॉम्पिटिशन होगा, कोई शोर नहीं करेगा, खामोशी से आपने सवाल लिखा, तीन बच्चे बुला लिए इधर से, एक बारी बारी, एक पे इधर लिखा, एक इधर सवाल लिखा, इधर लिखा, तीनों तीनों को तीन मार्कर दिए, नीचे से मंगवा के शुरू करें बेटा, अब दो चीज़ें हो रही, एक बच्चों की ड्रिलिंग हो रही है, प्रैक्टिस हो रही, दूसरा बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और तीसरा इसके साथ साथ जो यहाँ पे पूरी क्लास बैठी है, सबके सब मोटिवेटेड है, इंटरेस्ट के साथ और अटेंशन पूरी है सबकी, अगर यहाँ पे कोई बच्चा गलत करता है पहला एक ग्रुप वाला, तो सारे एक ग्रुप वाले पता क्या सोच रहे, तुम्हारी वजह से नंबर कटे, अब मैं जाऊंगा, सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आ रहा है बच्चों में, आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा हो रही, इसी तरह से हर एक के अंदर कॉम्पिटिशन डेवलप होगा, सब कहेंगे मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, आपके बच्चे खुद ब खुद मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैथ का टीचर अच्छा ना पढ़ाने तो बच्चे मैथ से नफरत करते हैं, और बच्चे कहते हैं सबसे बोरिंग और बुरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और अगर टीचर अच्छा हो तो फिर बच्चे कहते हैं कि मैथ ही पढ़नी है। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे सर के सर बराबर आ पाते इंजीनियरिंग में, उनकी बुक्स चलती है मैथमेटिक्स, अपायर मैथमेटिक्स, मैंने उनसे पढ़ा, वो तीन घंटे का लेक्चर देता था हमारा अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स लोगों को आधे घंटे बर्दाश्त होती, दिमाग की दशा फटने लगती, वो तीन घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाते थे, और हम सब बिल्कुल एनर्जेटिक रहते थे, क्यों, और जबकि वो बोर्ड पर बुला के लिखवाते नहीं थे, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, नहीं लिखवाते थे बोर्ड पर, बुला खुद सॉल्व करते थे पूरे, लेकिन वो सॉल्व करते करते ना बीच बीच में से पूछते थे, हाँ भाई अगला स्टेप बताओ तुम क्या होगा, यानी वो पूछते थे सर, करवाते थे नहीं थे बोर्ड, लेकिन हम सब एक्टिव रहते थे कि यार ये अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी, तो मैंने आपको कहा ना अपने जहन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाया करें, याद है, वो इस हिसाब से पूरा लेके चलते थे लेक्चर को, कभी इससे पूछ लिया, कभी उससे पूछ लिया, कभी सामने वाले से पूछ लिया, फोकस किया करें ज्यादातर पीछे वाले बच्चों, क्योंकि ज्यादातर जो है ना अनएक्टिव तरीके से ना वही बच्चा बैठे होते हैं, क्योंकि उनके जहन में क्या होता है, हम पहाड़ी के पीछे बैठे हुए, यहाँ जो दुश्मन फौज खड़ी हुई है ना उसके सिर पे सलाह की नजर नहीं पड़ रही है, ये बच्चों के जहन में होता है, कुछ बच्चे छुप छुप के साइड पे बैठे होंगे, कभी कभार बच्चे बैग रख लेते ऊपर, होता है ना ऐसा, वो सोचते छुप जाओ, छुपने नहीं देने, एक दफा ये चीज उसके अंदर आ गई तो फिर बड़ा मस्ता होगा, उसको लर्निंग नहीं होगी, सही, इस तरह से आप ड्रिलिंग करवाएं बच्चों को, प्रैक्टिस करवाएं, जितनी प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिवली बच्चे लर्न करेंगे, सही, यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी जब आपकी अटेंशन आ गई तो और ड्रिलिंग और प्रैक्टिस से आपकी लर्निंग शुरू होगी, अब ये ड्रिलिंग और प्रैक्टिस लीड्स टू फैटिग एंड बोर्डर, वो फैटिग का मुराद क्या होता है, लिख ले थकावट, सही, थक जाना फजूल, और बोर्डम से मुराद बोरियत, कुछ टीचर्स क्या करते हैं एक्टिविटी भी करवा रहे हैं, सब चीजें करवा रहे हैं, लेकिन ड्रिलिंग करवा रहे हैं प्रैक्टिस, देखिए सब चीजें आपस में लिंक आ गई, सही, ड्रिलिंग और प्रैक्टिस जो है करवा रहे हैं, लेकिन इस अंदाज से करवा रहे हैं कि बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा, थकन हो रही है, फजूल बोर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये एक्टिविटी क्यों करवा रहे हैं, अब वो बोरियत वाली क्या होती है, ड्रिलिंग वाला, आप सब बैठे हुए ना, मैं आपसे बारी बारी पूछना शुरू करूँ, आप सबको ना उत्ताहट होने लगी कि यार क्यों पूछ रहे, मैं गलत बता दूंगी तो मेरी सेंड हो जाएगी बराबर, मैं आपको खुद पॉइंट आउट करके नहीं बुला रहा, लेकिन जब मैं आपकी ग्रुपिंग करके आपको ये कह दूंगा ना कि आपके कंपटीशन हो रहा है, जो जीतेगा उसको
वो टीम सबसे अच्छी ये वो उसमें से परफेक्ट बना होगा, उसमें से मॉनिटर बना होगी, तो इस तरह की जब आप बात करेंगे ना एक अचीवमेंट रख दिया आपने तो उनकी लर्निंग का लेवल अप होने लगेगा। याद है लेवल लर्निंग के टाइप्स ऑफ लर्निंग और उसके उसमें क्या था, अचीवमेंट जरूरी है सही है, रिवॉर्ड रिवॉर्ड कंपल्सरी है, रिवॉर्ड बच्चों को देना है सही है। क्या हुआ अब वो जो इफेक्टिव था कि जब बच्चों का कॉम्पिटिशन शुरू होगा तो वो बोर नहीं होंगे, जब बोर नहीं होंगे तो थकेंगे नहीं, जैसे ही इंसान बोर होने लगता है ना उसका इंटरेस्ट जाता है, इंटरनली वो थकना शुरू हो जाता है। कभी एक चीज नोट की ना, आप बहुत एनर्जेटिक अंदाज में घर से आएंगे ना पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे अंदाज में, तो ना आप बोर होंगे और जब आप बोर नहीं होंगे तो आप पूरे दिन काम करके थकेंगे, और जिस दिन आप बिल्कुल ऐसे आएंगे ना कि आज छुट्टी कर रही थी लेकिन फिर भी चली गई, तो उस दिन आप इतना ज्यादा बोर होगा और जब हद से ज्यादा इंसान बोर होता है तो वो थक जाता है, मेंटली थकता है तो बॉडी उसके ऑटोमेटिकली थक जाता है सही है, क्लियर है ये बात। देखिए सारी चीजें आपस में लिंक है सही। सपोज आपने ऐसा ऐसी एक्टिविटी और ड्रिलिंग करवाई थी कि वो ना बोरिंग थी ना थकावट वाली थी, तो लर्निंग कहां तक जाएगी, इंटेलिजेंस में सही है। अब जब लर्निंग इंटेलिजेंस तक जाती है तो इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर जहानत बढ़ रही होती है सही है, उनका सोचने का तरीका उनकी सलाहियतें इनहेंस होती होती है आहिस्ता 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 इनहेंस होती है। अब इंटेलिजेंस के साथ चेक करेंगे आप, बच्चे रैपिड रिस्पॉन्स करेंगे चीजें, और आप ए बताएंगे तो वो ए की एक एक चीज को अच्छे अंदाज से जैसा आपने बनाया वैसे बना रहे हो, जैसा आपने समझाया वैसे चलेंगे, आपसे थोड़ा सा आगे चलना चाहेगा बच्चा जब आपकी एक्टिविटीज और आपकी ड्रिलिंग को वो अच्छे अंदाज से समझ रहा है और ओन कर रहा है, तो फिर वो आपके आपसे आगे जाने की कोशिश करेगा, उसके एटीट्यूड में नजर आने लगेगी ये चीज समझिए, उसके एटीट्यूड में चीज देखेगी कि आप वो कहेंगे हाँ वो पहले से तैयार बैठा हुआ पढ़ने के लिए, जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड भी अच्छे से कर रहा है समझिए इस बात को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लर्निंग के अंदर एटीट्यूड और एटीट्यूड वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बोरियत होगी तो ना इंटेलिजेंस बढ़ेगी ना उसका रवैया तब्दील होगा ना उसकी सलाहियतें एनहांस होगी, क्लियर है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये सब चीजें भी हो जाती हैं, इंटेलिजेंस आ जाती है तो इसके बाद कहा जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशनल फैक्टर सही। अब कुछ बच्चे एक्टिविटी से इफेक्ट भी होगा उनको अच्छी भी लगेगी, लेकिन इमोशनल फैक्टर उनका क्या आया, आपने सब वो एक्टिव था बच्चा बहुत अच्छे अंदाज से आपकी एक्टिविटी को लेकर चल रहा था आप जो करवा रहे, लेकिन आपने उसको बिना वजह या उसको बहुत बुरे अंदाज में डांट दिया तो क्या करेगा वो, इमोशनली डिस्ट्रेस हो गया, वो होता है ना अक्सर ऐसा, बच्चे गलतियां करते हैं शरारत होती है, लेकिन उस पर अगर आप इतना नेगेटिवली हार्श बिहेवियर कर देंगे बच्चों को, बच्चे जाते हैं इमोशनल बिल्कुल ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, वो कहते हैं हमारी तो इज्जत गई, क्यों आप तो क्लास से बाहर निकले और सबने ही करके बच्चे का रिवॉर्ड लगाना शुरू कर दिया, बेइज्जती हो गई होता है अक्सर, तो उस सूरत में बच्चा इमोशनली क्या सोचेगा कि यार अब तो मैं मिस पाऊंगा क्लास में किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूंगा, अब उसकी मोटिवेशन यहां से खत्म हो गई, यहां तक पहुंच गई, आप हिम्मत करके यहां तक लेकर आए थे वो वापस कहां गया, आपको दोबारा उसको रेडिनेस से शुरू करना जीरो। इसलिए टीचर का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है अपने स्टूडेंट से तो समझे कि आप पूरी मेहनत करके भी जीरो हैं। आप अगर उन्हें कहें ना सर ये फला बच्चा जो है ना नहीं होता कंट्रोल, बड़ा बदतमीज है, उसका मतलब है कि आपने उसका पूरी लेवल अचीव नहीं किया, मेहनत नहीं होती, कलेक्टिव मेहनत नहीं होती, याद रखिए जब बच्चों की बात हो तो इंडिविजुअल मेहनत भी जरूरी है, कलेक्टिव एक अलग चीज है, इंडिविजुअल मेहनत जरूरी है। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं लेकिन अपने उस्तादों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, मेरा एक दोस्त था इरफान हाफिज कुरान था, बहुत इंटेलिजेंट, हम दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, वो अपने मेरे टीचर की वजह से वो मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ सकता, जबकि मैं गारंटी लिख के दूँ अगर वो टीचर उसकी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद वो डॉक्टर होता, इतना जहन था मेरी हाफिज था, उसको यूँ याद होती थी चीज़ें मिनट्स के अंदर जाता था, लेकिन कुछ भी होता था पहले वो शरारती था बाद में वो सुधर गया था, तौबा कर ली थी उसने, तौबा कराई थी मैंने, इंसान मतलब साथ साथ रहे वरना फिर कट्टी हो, तो मैट्रिक में सुधर गया था नाइन्थ के बाद, लेकिन
फिर भी उसके ऊपर एक लेवल लगा हुआ था शरारती बच्चे का, तो जहाँ कोई शरारत हुई सर आते थे तीन चार दफा सर ने एक घंटा लेकर आया मारना शुरू कर दिया छोड़ा, जबकि वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। अब आप इतना बड़ा डंडा ला आपने मार मार के डंडा तोड़ दिया उसको, अब वो मेरी तरह देख रहा है ना ऐसे, मुझे कहा था ना इंसान बन के बैठना, अब देखो बन के नहीं बैठना, यानी उस इमोशनली वो क्या हुआ हर्ट हुआ, उसने कहा छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई सब भाड़ा में जाए, मैंने तो पढ़ना ही नहीं है अब मैं बागी हूँ। वो बागी ऐसा हुआ कि फिर किसी टीचर से कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने भी फिर नहीं बोला, तो मेरी भी सुनता था, आपने इमोशनली जब हट कर दिया ना बच्चे, अच्छा बाद में अच्छा तुम्हारी गलती थी, होता है देखो कभी कभार तुम्हारी शरारतें ऐसी थी ना इसके समय तुम्हें आगे मारा, आपने एक तो मार दिया उसको, फिर ऊपर से ये देखो थोड़ा सा उसको कुछ कर लेते थे भाई थोड़ा सा, नहीं बेटा हो गया तुम बात, टीचर कभी कभार अगर गलत कर भी दे तो फिर उसको बैक कर दे ताकि बच्चे जो है ना पॉजिटिवली लें। अब वो ऐसा हुआ उसने कहा मैट्रिक के बाद पढ़ने नहीं, बिजनेस में आ गया, नो डाउट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है अभी, लेकिन जो उसकी पढ़ाई थी वो आज भी कभी मिलता तो यही कहता कि यार काश मेरे साथ अच्छे होते तो मैं आज तुम लोग की तरह इंजीनियर वगैरह या डॉक्टर होता, क्यों वसाई की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन क्या था उसका उसको इमोशनली इतना हर्ट किया गया तो उसने कहा कि सब चीजें मेरे लिए बेकार है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है समझ रही इस बात को, इमोशनल फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दफा बच्चे के इमोशन हर्ट हो गए आपने उसकी जिंदगी नहीं उसकी नस्लों की जिंदगी बता दो, क्यों मैं नस्लों की क्यों कह रहा हूं, अगर एक बाप या एक माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी आने वाली नस्लें जो है वो उतना ज्यादा पढ़ेगी, माँ बाप अपने वालदेन को देख कर जो ना आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेरे मदर फादर दोनों ग्रेजुएट मास्टर्स हैं डबल डबल मास्टर, तो मैं सोचता हूँ मुझे उनसे थोड़ा आगे निकलता वरना मैं पीछे रहता, अगर वो भी इंटर होते तो मैं कहता तो बादशाह बन गया मैं तो मास्टर्स कर गया, मेरा पॉइंट क्यों अचीव नहीं हो रहा, क्यों मेरे ऑफस्प्रिंग्स ने मुझसे ज्यादा पढ़ा है, आपने नस्लें तबाह की है एक बच्चे को इमोशनली हर्ट करके याद रखिए, और इसका सवाल हो सकता है आपसे और लगा रहा था सवाल कर लिया तुम्हें इतना अहम पेशा दिया था ऑनलाइन का तुमने क्या किया, उस एक पर्टिकुलर बच्चे का पूरा मुस्तकबिल था आपके हाथ में, आपने क्या किया, मैंने आपको मिसाल दी थी ना अपने सर की, तो वो कहते थे 2095 के अंदर मेरी 25,000 सैलरी थी इनकम जीरो थी यानी सेविंग जीरो थी, और 2007 में इनकम 25,000 है लेकिन सेविंग्स होते हैं, हलाल थोड़ा होता है बरकत ज़्यादा होता है, सही तो वही चीज़ है, जब आप इफेक्टिवली अच्छे से करेंगे ना आप खुद देखेंगे आपके लिए राय कैसे खुलेंगे, ऐसे ऐसे राय खुलेंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा, यानी आपको जहाँ तक गुमान भी नहीं होगा ना कि मुझे इस दर से मिलना था वहाँ से मिलने लगे, कोई अगर आपकी कमेटी खाने बैठी होगी ना वो आपको पैसा नहीं दे देंगे, आप कभी किसी बच्चे के साथ अच्छा करें उसके इमोशन तो समझे, कुछ बच्चे इमोशनली हर्ट होते हैं, अब कभी कभार ऐसा भी होता है इमोशन फैक्टर में ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि जैसे आमना नहीं पढ़ाने तीन बच्चे मुँह खुला के बैठे थे, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा लेकिन इनसे पहले मिस फलाना नहीं थी आपका नाम है मिस आमना दूसरी मिस आमना नहीं सही, अब ये बच्चों को डांट कर मार कर फुल उनकी इंसल्ट करके बाहर निकली, ये बदतमीज बच्चे, अब दूसरी में सामने जब आई ना तो बच्चा क्या सोचा था ये भी आमना समझ रही बात, उसके जहन में क्या चीज चलती है ये भी वही करेंगे, इन्होंने उस पॉइंट को हिट ही नहीं किया कि बच्चा मोटिवेटेड है इंटरेस्ट है नहीं है कहाँ है इमोशन कहाँ है, अगर आपने इस पॉइंट को हिट कर लिया कि अगर आपने उन बच्चों को पिक कर लिया कि वो बच्चे इमोशनली अटैच नहीं है अभी तो आपकी सोच है कि वो बच्चे कितनी अच्छी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप खुद लग लगेगा कि आपके कहने से पहले ना यानी आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा के पढ़ेंगे किससे लिखा वो बच्चे का सबसे पहले पढ़ा होगा होता है ना ऐसा कि हम कभी बोर्ड पे पूरा बोर्ड फिल करते हैं और जैसे ही हम आखिरी फुल स्टॉप लगाते हैं वो बच्चा भी कहता है विच आई हैव डन माय वर्क फॉरन होता है ना, क्यों वो बच्चे इमोशनली आपसे अटैच है, वो चाह रहे कि मैं टीचर के साथ साथ चलूँ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे दिख जाए जरा सा ना आगे का मैं थोड़ा आगे लिख लूँ, होता है ना ऐसा उठ के भाग रहे होंगे इधर चक्कर मार रहे होंगे उसको इधर देख रहे होंगे ऐसा होता है, तो वो बच्चे इमोशनली आपसे अटैच है क्योंकि आप ये सब चीज़ों को हिट करती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये सब चीज़ों को इफेक्टिवली प्रॉपरली करेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें
ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये तमाम फैक्टर्स। पॉजिटिवली करेंगे तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी, नेगेटिव करेंगे तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। इट्स अप टू यू कैसे करें, सही। आगे चले, अब आपने बच्चे का तो इमोशनली बहुत अच्छे अंदाज से लेके चले, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। रोल ऑफ फैमिली एंड कल्चर। अब कुछ बच्चों का कल्चर और उनकी फैमिली के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं ना, कल्चर से बड़ा समझते हैं तहजीब, मेहमान कम्युनिटी है, इनकी रिवायत अलग है, उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज की अलग है, पंजाबियों की अलग होती है, और जिनमें बगड़ा हुए है ना होता है ना, पठानों में ठाक 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 गोलियां, हर एक की रिवायत अलग अलग है, सही ना, तलवार लेके वो डांस करते हैं, कल्चर अलग अलग है, सही। उन चीजों को इमोशनली इस अंदाज से लेकर चलना है कि वो बच्चा अपने आप को रिस्पेक्ट फील ना करे, सही। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कुछ बच्चों में ये चीज आ जाती है कि यार ये जो बाकी सपोज करेगा सारे बच्चे उर्दू स्पीकिंग बैठे रहे, एक बच्चा पठान बैठा हुआ है ना, तो ये चीज इमोशनली उस बच्चे में डेवलप हो जाती है कि मैं सबसे अलग हूँ। वहां पर कल्चर का जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपने मीट करना, उसको ये फील कराना है नहीं भाई तुम भी हमारे साथ हो, तुम वो सफेद हंस के जोड़े में वो एक काला वाला हंस नहीं हो, सही है ना, तो वो एक तो मिसफिट फील कर रहा था ना बच्चा, सुनिए ना वो कहानी हंस और वो उसकी वजह से वो कभी बाद में लंबी हुई तरह से ना। तो फिर रोल ऑफ फैमिली, आपको पीटीएम पेरेंट्स को बुलाना डायरी नोट्स के जरिए क्यों बोलते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे होते हैं फैमिली की तरफ से डिसहार्टेड होते हैं। एक मिसाल दी थी मैंने कि वालिद साहब गए हुए थे एक महीने के लिए, तो बच्चे का पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, मैंने नहीं पढ़ना चाह के नहीं पढ़ रहा, इमोशनली इतना डिस्ट्रेस है वो नहीं पढ़ना चाह रहा, उसका जहन नहीं हो रहा, वो अब्बू को देखना चाह रहा है, होता है ना ऐसा। उस सूरत में आपको देखना है टीचर को, आपका ये रोल है कि आप देखें उसकी फैमिली की तरफ से जो प्रॉब्लम है तो बच्चे से ही कब होगा, जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं उसकी प्रॉब्लम पता लगी, आप मसले को हल की तरफ लेंगे। जब रोल ऑफ फैमिली और कल्चर आपका बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है, सही। अब हम आगे चलते हैं, ये जो चीज़ है ना रोल ऑफ सेंसेस एंड लर्निंग, ये एक समझने सबसे टॉप पर मैंने लिखा कि ये एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ यूँ है कि आप ये सब जो लर्निंग हो रही है ना जो फैमिली और कल्चर तक जा रही है, सही, ये सब डिपेंडेंट कैसे होती है, किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, आपके सेंसेस पर। आप जिस अंदाज से लर्निंग बच्चों को करवा रहे हैं वो क्या है, कौन कौन से अंदाज है, सही, कौन कौन से सेंसेस इन्वॉल्व किए हैं, हमने लेक्चर मेथड इन सब मेथड्स पे डिस्कशन की थी काफी डिटेल में, कौन बताएगा लास्ट में।